तो हमने बता दिया है, अब तू अगर नेम कर सकती है तो गुरु को प्रसन्न कर ले। बाछल रानी चल करके गुरु गोरखनाथ के वहीं डेरों पर पहुंच जाती है, जहां बाग के अंदर डेरे रुके हुए थे। जितने भी साधु संत थे उनके साथ में सभी को वहां पर जिमाना शुरू कर दिया। रोजाना का ये नेम कर लिया कि रोजाना आती, भंडारा करती, उन साधु संतों को जिमाती, वहां पर साफ सफाई करती, यानी कि गुरु गोरखनाथ की सेवा में रहती। गुरु गोरखनाथ सेवा करते करते, क्योंकि 12 साल तक बाछल रानी के वहां पर राज में रुके, ददरेवा के अंदर गुरु गोरखनाथ का डेरा रुका हुआ, 12 साल हो गए सेवा करते करते। 12 साल पहले संतान नहीं थी और 12 साल सेवा करते करते बीत लिए, यानी कि 24 साल बीत जाते हैं। और जब 12 साल पूरे बीत लिए, गुरु की सेवा में लीन रहती, गुरु गोरखनाथ के साधु संत जनों को सभी को जिमाती, तो जब एक दिन रह जाता है, यानी कि जैसे कल को गुरु गोरखनाथ को जाना है, तो गुरु गोरखनाथ बाछल रानी की सेवा से प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि आप कल हमारा डेरा आपके यहां से चला जाएगा, हमें 12 साल आपके राज में रहते हुए हो गए हैं और आपने हमारी बहुत सेवा की है, आपकी सेवा का फल हम आपको दे करके जाएंगे। तो गुरु गोरखनाथ किस तरह से बाछल रानी से क्या कह रहे हैं, अरे होलिए बारे काट के रात चलिया जागा, कल तेरे बाग से हे माता गुरु गोरखनाथ चलिया जागा, गुरु गोरखनाथ चलिया जागा, होली बारे साले आज की काट के रात चलिया जागा, कल तेरे बाग से हे माता भाटी, हमारे भाई अनु भगत जी के बेटे हैं, उनकी तरफ से 500 रुपए देकर के सम्मान किया गया है। हमारे भतीजे, उन्होंने 500 रुपए से सम्मान बढ़ाया है, एक बार जोरदार ताली उस बच्चे के लिए भी हो जानी चाहिए। और ये भी बता दे, भजन समझ में आ रहे हैं, कथा समझ में आ रही है, तो एक बार ताली बजा करके अपना आशीर्वाद जरूर दे दे। कैसे भला, चलिए दुनिया में तेरे जैसी, हाँ इस दुनिया में पाती
ऐसी दुखिया री मैंने 12 साल तक गोरख के लिए बड़ी मुसीबत भारी रे बड़ी मुसीबत भारी। अरे हर वस्तु हाजिर हो जा जो बन जा गुरु पुजारी मेरे गुरु की कृपा से कल सब कट जा खाली कर दूं बाग तेरा यो लंदन सिंह।